नमस्कार स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और टुडेज करंट अफेयर की जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है उसको हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। और आज हम कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग और उसके साथ ही हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, YouTube पर ढेर सारा करंट अफेयर के ऊपर डिस्कस होता है और उसके अंतर्गत ऐसे ऐसे टॉपिक्स को पिक कर लिया जाता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट उनको इस तरीके से पिक किया जाता है कि वहाँ से क्वेश्चन है वो बनते नहीं हैं, ज़बरदस्ती क्वेश्चन बनाने वाली बात होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ज़बरदस्ती जो क्वेश्चन बनते हैं उनको यदि आप लोग छोड़ें और उसमें अपना समय बर्बाद ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो नज़र आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं, और यदि आप लोग जुड़े हुए हैं तो शुरू में ही वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि अधिकतर लोगों तक ये पहुंच पाए। तो शुरू हम लोग करते हैं पहला कि आईपीएल शेड्यूल, मुंबई इंडियन टू फेस चेन्नई सुपर किंग्स इन सीजन ओपनर ऑन सितंबर 19। तो 19 सितंबर से जो आईपीएल का 12वां सीजन है वो शुरू होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ कि इसको मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था कि इस जो सीरीज ओपनर है इसका पहला मैच है वो मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो नहीं बनता, बट इसमें आईपीएल से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि एक तो इसका सीजन कौन सा है, ये 12वां सत्र है, 12वां सीजन है, इसके अतिरिक्त ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो ये यूएई में आयोजित हो रहा है, इसके अलावा ये कौन से दो शहरों में आयोजित हो रहा है, तो ये दुबई और अबू धाबी दो शहरों में आयोजित हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इससे संबंधित है वो बन सकते हैं। और इस बार जो है पहले इसकी जो स्पॉन्सरशिप थी वो वीवो के पास थी, तो चाइना से विवाद के बाद वीवो से स्पॉन्सरशिप को छीन लिया गया है और इसकी जगह ड्रीम इलेवन जो स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग है उसको इसका स्पॉन्सर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अगला ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये है हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो श्री सुनील अरोड़ा जी हैं और जो सुशील चंद्रा हैं वो हमारे चुनाव आयुक्त हैं दूसरे। और अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर जो है चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किए गए हैं वो है श्री राजीव कुमार। और राजीव कुमार ने किनका स्थान लिया है, मैंने आपको पहले बताया था अशोक लवासा जी का स्थान लिया है जो एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष बन के चले गए हैं और उन्होंने रिसेंटली इस पद से रिजाइन दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये सेम बस वही पुरानी खबर थी जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आईपीएल का शेड्यूल है वो हो चुका है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है वो मैंने ये भी करंट अफेयर का उतना करंट अफेयर का नहीं है जितना होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी प्रदीप कुमार जोशी जी हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, दूसरा यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और पहले इसका जो नाम था वो था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद इसका नाम है वो फ़िलहाल यूपीएससी हो गया है। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में, तो अगला ये जो अभी हाल ही में भारत सरकार ने फिर एक कुछ चाइनीज ऐप के ऊपर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की है और पबजी समेत कई जो ऐप थी उनको बैन किया है, लेकिन पबजी चूँकि बहुत फेमस गेम था तो उस फेमस गेम की कमी को पूरा करने के लिए फौजी करके एक ऐप है वो अभिनेता अक्षय कुमार लॉन्च करेंगे। और उन्होंने कहा है कि एक भारत के वीर ट्रस्ट है जिसके अंतर्गत कोई भी दान कर सकता है, आप भी इसे सर्च कर सकते हो, जो सिर्फ देश के जो शहीद हैं शहीद होने वाले हैं उनके परिवारों को इसके माध्यम से मदद की जाती है इस ट्रस्ट के माध्यम से। तो भारत के वीर जो ट्रस्ट है उसको इस ऐप की कमाई का 20% है वो दिया जाएगा, ये कहना है अभिनेता अक्षय कुमार का। तो अच्छा कदम है यदि ये ऐप, जैसे लोगों ने एक विदेशी ऐप पबजी को अपना
अट्रैक्शन दिया था। उम्मीद है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और जो यूथ है वो फौजी को भी अट्रैक्शन देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये गेम्स हमारी सेहत के लिए, मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि इतना इन पे फोकस ना करें, लेकिन फिर भी चूंकि ये क्वेश्चन है तो बनता ही है हमारे लिए। इसके बाद आज FV इंडिया के जो अधिकारी हैं वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होंगे। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पार्लियामेंट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT है, इसके अध्यक्ष जो हैं शशि थरूर हैं, और फेसबुक को पर जो हेट स्पीच की पोस्ट को लेकर के जो कार्रवाई करने के मामले में लेकर के जो आरोप अभी रिसेंटली लगे हैं कि ये फेवर कर रही है एक पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी का, मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो दोनों ही देश के प्रमुख दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं फेसबुक के ऊपर। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के पक्ष में, भाजपा की हेट स्पीच को नहीं हटाती है, और सेम बात BJP की तरफ से कही जा रही है। तो इस मामले में जो फेसबुक इंडिया के जो अधिकारी हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने, जो IT सेल की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने अपना पक्ष रखेंगे। और भारत में जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो 24 हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ये विभिन्न मुद्दों के ऊपर है जो अपना पक्ष है वो रखती है, सुनवाई करती है। ये बहुत बड़ी खबर है कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग जारी कर दी है, और COVID-19 के इस दौर में ईज ऑफ बिजनेस को जो आसान बनाने की प्रक्रिया है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात है, तो इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश का नंबर पहला है। तो एक तो ये रैंकिंग का आपको ध्यान रखना है कि इसको जारी करने वाला है वो केंद्र सरकार ने इसको जारी किया है, और मैं आपको बता दूं कि इस रैंकिंग के अंतर्गत राजस्थान का जो स्थान है वो 8वां है। तो राजस्थान हमारे लिए बेहद ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज पहले नंबर पर है जो आंध्र प्रदेश है, और दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। तो ये सॉरी दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगली खबर की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और ये मैंने बस ऐसे ही इस खबर को पिक किया है कि CDS बिपिन रावत ने हमारे सैनिकों को अपनी सीमा पर तैयार रहने के लिए कहा है। और CDS बिपिन रावत, में बार बार मैं इसका उल्लेख करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है जहाँ तीनों जो सेना अध्यक्ष है वो इनके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो ये पद है वो बहुत बड़ा पद है भारत में अभी, तो इसलिए मैं इसका उल्लेख आपसे बार बार मैं करता हूँ। इन फ्यूचर इनके इसके ऊपर क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आप हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के साथ किस राज्य को भागीदार बनाया है, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत, सॉरी ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत किस राज्य को भागीदार बनाया है, तो मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश को रिसेंटली भागीदार बनाया है। और अब आप मुझे बताओगे कि राजस्थान का जो पार्टनर स्टेट है वो कौन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना है भारत सरकार की, आप लोग गूगल करोगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करने के लिए। हाल ही में आयोजित विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का जो खिताब है किसने जीता, तो COVID-19 के दौर में ये प्रतियोगिता ऑनलाइन खेली गई, और मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के पी इनियन, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं तमिलनाडु के पी इनियन मास्टर, इन्होंने इसको जीता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं कि इन खिलाड़ियों का संबंध है वो किस खेल से है, तो इन चारों ही खिलाड़ियों का संबंध जो है चेस से है, शतरंज से है, तो आपको इन चारों खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम याद रखना है पी इनियन का क्योंकि ये भारत के हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। हाल ही में इनकी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं, ऑप्शन बी, तो ये आपको याद रखना है। और वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, ये आप मेरे साथ शेयर करोगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार अपनी कंपनियों को चीन से हटाकर भारत और बांग्लादेश में स्थापित करने वाले कारोबारियों को सब्सिडी देगी, यानी कौन सा देश ऐसा है जिसने ये कहा है
कि यदि उनकी जो कंपनियां हैं उनके कारोबारी हैं वहाँ वो बांग्लादेश चीन से अपने इन कंपनियों के इस्टेब्लिशमेंट को हटा करके और भारत और बांग्लादेश में स्थापित करेंगे तो उन कारोबारियों को वहाँ की सरकार सहायता करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जापान ने ये घोषणा की है। चाइना के साथ हाल ही में रिसेंटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संपर्क बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, COVID-19 के प्रसार के लिए उसको जिम्मेदार माना गया है और इसीलिए ये जो कदम है वो विभिन्न देशों की सरकार है वो उठा रही है। मैं आप अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में जानी मानी सॉरी हाल ही में जॉनी वक्सी जी का निधन हो गया है और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जाने माने फिल्म निर्माता थे और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, यदि कोई फेमस हस्ती का निधन होता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके ऊपर, राजस्थान की जो पोजीशन है वो 8वीं है, यानी ऑप्शन वी इसका आंसर आएगा। और पहली रैंकिंग आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है क्योंकि इसका जिक्र हम लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग में किया था। हम अगली खबर पर चलते हैं, भारतीय चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी हम लोगों ने स्लाइड में देखा था शुरू में, तो आप लोग इसको देखोगे और बताओगे मुझे कि इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 3 इसकी सदस्य संख्या है वर्तमान में और तीनों का उल्लेख मैंने अपनी पूर्ववर्ती स्लाइड में किया है। फिर आईटी से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि इस समिति के अध्यक्ष शशि थरूर है और हाल ही में फेसबुक के जो भारत से संबंधित अधिकारी हैं फेसबुक इंडिया के, वो अपना पक्ष रखेंगे हेट स्पीच के मामले में और इसीलिए चर्चित रहा है। और इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको थोड़ा सा पार्लियामेंट्री कमेटी को भी पढ़ोगे कि कमेटी कितने प्रकार की होती है। और जो वित्तीय समिति है, 3 वित्तीय समिति होती है, उन तीनों वित्तीय समितियों के बारे में आपको पढ़ना है। लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रमों पर एक कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग स्कोपू करके बोलते हैं इसको, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तीनों समितियों के बारे में उनकी सदस्य संख्या देखनी है और उनके चेयरपर्सन देखने हैं। उनके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों ही कमेटियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जेई नीट की परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी कौन सी है? चूँकि ये इंजीनियरिंग और मेडिकल की भारत की जो ग्रेजुएट लेवल के कोर्स होते हैं उनके एडमिशन की प्रक्रिया होती है और हाल ही में ये प्रक्रिया काफ़ी चर्चित रही है, छात्रों ने एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की भी मांग की है, तो इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UGC, NCERT, CBSE या NTA कौन सी एजेंसी ऐसी है जो इस परीक्षा का आयोजन कराती है? मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए यहां पर आएगा, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका आयोजन कराती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके अतिरिक्त UGC जो नेट की पेपर पहले UGC कराती थी उसका आयोजन भी आजकल यही करा रही है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो अभी ख़त्म होती है और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वीडियो यदि यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी में कुछ अंतर आया हो तो आप लोग थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लेंगे कुछ टाइम के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण कई बार वीडियो की क्वालिटी को एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी करते रहें, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।